अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? लो मैं भी घर जा रहा हूँ, तुम्हें भी छोड़ दूँ? इकबाल मैं जॉन का वेट कर रही थी और वैसे भी मैं रोज उसी के साथ जाती हूँ, तो तुम जा सकते हो। ठीक है यार, जैसे तुमको ठीक लगे। लो वैसे जॉन भी आ गया। अरे रिया तू यहाँ पर अभी तक घर पे नहीं गई क्या? अच्छा जी, एक तो मैं कब से तुम्हारे यहाँ वेट कर रही हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो घर पे नहीं गई है। कभी तुमको अकेला छोड़ के गई हूँ मैं? अरे वो तो मुझे पता, तुम रोज मेरे साथ ही घर जाती हो, पर पता नहीं यार किसी ने मेरी साइकिल की हवा निकाल दी और इसीलिए मैं लेट हो गया था। वैसे खैर ये सब छोड़ो, चलो घर चलते, वैसे काफी लेट हो गया है। हाँ ठीक है चलो। फिर से लेट, लगता है आज भी तुम्हारी साइकिल की किसी ने हवा निकाल दी। और नहीं तो क्या यार, पता नहीं कौन है जो ऐसा गंदा मजाक करता है। बट यार मुझे तो आज जल्दी घर जाना था क्योंकि मुझे घर पे बहुत जरूरी काम है, अब मैं क्या करूं? रिया अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। एक बार तू जा सकता है, रिया मेरे साथ आ जाएगी। ओके जैसा तुमको ठीक लगे। एक बार रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जॉन मुझे आज घर पे थोड़ा काम है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इकबाल के साथ चली जाती हूँ और तुम आ जाना और ध्यान से आना। रिया इकबाल के साथ चली गई और मुझे आज अकेला छोड़ के, इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? नहीं यार, रिया वैसी लड़की नहीं है, वो तो उसको घर पे काम था इसीलिए शायद जल्दी चली गई इकबाल के साथ में। मैं भी ना फालतू में उल्टा सोच रहा हूँ। अरे जॉन, तेरी और रिया की लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची? अरे यार कहाँ तक क्या, साला रोज प्रपोज करने की सोचता हूँ पर साला हिम्मत नहीं हो पाती यार। क्या हिम्मत नहीं हो पाती? अबे साला हिम्मत लानी पड़ती है और जितना जल्दी हो सके रिया को अपने दिल की बात बताते, वरना किसी टाइम कोई और उठा के ले जाएगा। नहीं यार रिया वैसी लड़की नहीं है और रिया से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। भाई माना कि तू बहुत प्यार करता रिया से, लेकिन एक बार ही प्रपोज तो कर, होगा जो देखा जाएगा, हाँ करेगी या ना करेगी बस। हाँ यार मैं जल्दी उसे प्रपोज करने की कोशिश करता हूँ। रिया का कॉल। हाँ रिया बोल। हेलो जॉन, मैं तुमसे ये कह रही थी कि हम सब जने वहाँ मूवी देखने जा रहे हैं, तो तू भी जल्दी से वैशाली वाले रोड पे आ जा, मैं तेरा वहीं वेट कर रही हूँ। चल ठीक है मैं 10 मिनट में आता हूँ। चल ठीक है बाय बाय। ओ भाई रिया का कॉल आया, वो बोल रही है मूवी देखने के लिए, मैं उसके साथ जाता हूँ ठीक है ना? ओ भाई आज तो मूवी, वो भी रिया के साथ। भाई आज तो अपने दिल की बात बताई दियो रिया को। हाँ भाई आज रिया को प्रपोज करके ही आऊंगा और मुझे भी लगता है कि रिया पक्का मान जाएगी। चल ठीक है मैं अभी घर पे जाता हूँ, कपड़े चेंज करूंगा और तुम्हें वापस आके मिलता हूँ तेरे से। हाँ भाई ठीक है ना, बाय। जॉन हम लोग कब से तुम्हारे यहाँ वेट कर रहे थे। पर तुमने बताया नहीं कि इकबाल भी हमारे साथ चल रहा है। हाँ यार मैं जल्दी जल्दी में तुम्हें बताना भूल गई थी, लेकिन अब ये सब छोड़ो, अपनी साइकिल को तुम साइड में रखो, चलो हम दोनों इकबाल के साथ गाड़ी पे चलते हैं। रिया। हाँ जॉन। वो मुझे तेरे को कुछ बोलना था। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? वो मैं बोल रहा था कि अब जल्दी बोल यार, मूवी के लिए लेट हो रहा है। रिया वो मैं बोल रहा था कि आई लव यू।
अरे तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? मुझे सब पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि रिया भी मुझसे प्यार करती है। क्यों सही कहा ना रिया? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे प्यार करूंगी? और मुझसे प्यार करने से पहले तू अपना लेवल देख। और किसी ने सही कहा है कि किसी को उंगली पकड़ाओगे तो उंगली पकड़ते पकड़ते तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। अरे रिया छोड़ ना इस गरीब को यार, तू भी किस गरीब का मुंह लग रही है। चल अपन तो मूवी चलते हैं। इकबाल एक मिनट, अब चलते हैं मूवी के लिए। चुका हूं और मुझे मर जान दे, प्लीज मुझे मर जान दे। क्या हुआ तुझे? क्या परेशानी नहीं तेरी? मुझे कुछ तो बता। राजवीर भाई, मैं गरीब घर में पैदा हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे स्कूल में सभी दोस्त लोग गाड़ी से स्कूल आते हैं और मैं साइकिल से? जॉन, ऐसा कुछ नहीं है, तू टेंशन लेना बंद कर और अभी घर चल। आशिकों का काम है। ठीक है बाबा, मैं स्कूल चलता हूँ अब। अरे बेटा जरा रुकना। हाँ बाबा बोलिए, क्या हुआ? बेटा तू स्कूल तो जा रहा है पर साइकिल पर क्यों? बाबा आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। जरा अपनी आंखें तो बंद कर एक बार बेटा। पर क्यों? अरे बेटा एक बार कर तो सही। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और सामने देखो बेटा। KTM बाइक? रब ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की स्याही से लिखी है। बेटा कैसा लगा तुझे तेरा गिफ्ट? कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं। बाबा गिफ्ट तो बहुत अच्छा है पर आपको किसने बताया कि मुझे KTM बाइक पसंद है? बेटा तेरा दोस्त राजवीर ने मुझे बताया था तुझे KTM बाइक पसंद है, इसलिए मैं तेरे लिए KTM बाइक लेकर आया हूँ। और अब तो खुश है ना बेटा तू? खुश तो बहुत हूँ बाबा, लेकिन। लेकिन क्या हुआ बेटा, बोल तो सर क्या हुआ?
बस मैं ये पूछ रहा था बाबा कि ये बाइक तो बहुत महंगी आती है, तो भला आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो सब तू मत सोच बेटा, तू बस गाड़ी चला और मुझे बता कैसी है। नहीं बाबा, ये गाड़ी मैं नहीं चला सकता जब तक आप मुझे ये नहीं बता देते कि आपके पास ये गाड़ी लाने के लिए पैसे कहाँ से आए। बेटा मैंने तालाब के पीछे वाली जमीन बेच दी और उसी पैसों से मैं तेरे लिए गाड़ी लेकर के आया हूँ, क्योंकि मेरे लिए जमीन से ज्यादा मेरा बेटा है, और बेटे के लिए मैं जमीन तो क्या खुद को भी बेच सकता हूँ। तू ये सब छोड़ बेटा, तू स्कूल जा, लेट मत हो जाना। ठीक है बाबा, मैं स्कूल चलता हूँ। अब है ना, होंगे तेरे बड़े चाहने वाले आशिक हम सा कहा, इश्क की बाजी ना हारेंगे ऐसे देंगे सनम इंतहा। हम तो दीवाने हैं हमको जमाने से और नहीं डरना। वाओ केटीएम बाइक, जॉनी तुमने कब ली? ये तो मुझे पापा ने आज ही गिफ्ट की है। पर रिया, मैं तुझे कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना। रिया, गरीब इंसान किसी को दिल से अपना मान ले ना, तो वो उसके लिए जान दे भी सकता है तो जान ले भी सकता है। और हाँ, आदमी पैसों से भले ही गरीब हो सकता है पर दिल से कभी नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। को तो प्यार सजना।